नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। लिखने एक नजर हेडलाइंस पर। पोस्टल बैलेट को लेकर हरदा का बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वीडियो किया जारी, उठाए सवाल, भाजपा ने किया खंडन, बताया कांग्रेस की बौखलाहट। चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस का दावा, इस बार महंगाई और रोजगार के मुद्दे को मिली तरजीह, महिलाओं समेत युवाओं ने जमकर किया मतदान। सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग में उत्तराखंड के जगेंद्र सिंह शहीद, आज पार्थिव शरीर पहुंचेगा देहरादून, सीएम धामी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। और उत्तराखंड में बदले मौसम का दिखा असर, पौड़ी जिले के कई इलाकों में देर रात से बारिश से गिरा तापमान, देहरादून में बादलों की लुका छुपी जारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले बड़ी खबर की करते हैं। प्रदेश में पोस्टल बैलेट पर गरमाई राजनीति अब दोनों तरफ देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने डाक पत्रों को लेकर सवाल उठाया, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जिसने कई सवाल खड़े किए। हरदा की पोस्ट से वीडियो वायरल हो चुका है और लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो आर्मी सेंटर का बताया जा रहा है, जहां पर एक ही शख्स सभी पोस्टल बैलेट पर टिक टिक कर रहा है, और भाजपा ने कांग्रेस का आरोप का खंडन करते हुए इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी, निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की गई थी पोस्टल बैलेट को लेकर, और अब हरीश रावत ने एक वीडियो शेयर किया है जिस वीडियो को आर्मी सेंटर का बताया गया है, जहां पर एक ही शख्स सभी पोस्टल बैलेट पर टिक टिक करके यानी कि राइट के साइन करके मतदान देता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में मतदान के बाद पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस पार्टी असहज महसूस कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पोस्टल बैलेट मतदान की तारीख दोबारा तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पोस्टल बैलेट हो या सामान्य मत हो, विधानसभा अभ्यर्थी को यह जानकारी देनी चाहिए कि आपकी विधानसभा में कितने पोस्टल बैलेट मतदाता है। पोस्टल बैलेट हो या सामान्य मत हो, किसी भी अभ्यर्थी का ये सामान्य रूप से ये अधिकार है कि उसे ये बताया जाए कि उसके विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो प्रत्याशी है वहाँ से कौन कौन मतदाता है, कितने मतदाता है। तो ये बहुत ही असहज बात है कि बतेरे लोगों को पोस्टल बैलेटों की लिस्ट जारी नहीं की गई कि भाई कौन कौन आपके क्षेत्र में पोस्टल बैलेट का अधिकार रखता है। ऐसे में हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि चूँकि चुनाव निपट गए हैं, बहुत से पोस्टल बैलेटों के वोट पड़ भी गए हैं और अभी तक प्रत्याशियों को ये सूचना ही नहीं आप लोगों ने दी, तो उन्हें सूचना दी जाए और ये पोस्टल बैलेटों की जो मतदान की तिथि है उसको दोबारा सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए कांग्रेस कभी पोस्टल बैलेट में धांधली बताती है तो कभी ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का आरोप उजागर करती है। देखिए, अभी तो कांग्रेस को और बहुत ज्यादा सियापे करने हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को चुनाव के बाद केवल ईवीएम खराब है, केवल पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी हुई, चुनाव में धांधली हुई, केवल ये आरोप लगाने की प्रैक्टिस करनी है, उन्हें चुनाव में जीतने के लिए कुछ और करना नहीं है। और वही बातें सही साबित हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग पर, सारी व्यवस्थाओं पर पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है और आगे भी रहेगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगली खबर की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। पौड़ी, श्रीनगर, गढ़वाल, सतपुली, चौबट्टा खाल, यमकेश्वर इलाकों में देर रात से बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं राजधानी देहरादून में भी बादलों की लुका छुपी का खेल जारी है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना आज भी जताई है।
मतगणना के दिन करीब आने से भाजपा कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल अपनी जीत को तय मान बैठे हैं, मगर दोनों ही दलों में आरोप की छींटाकशी जारी है। इस बीच कांग्रेस को इस बात का पूरा भरोसा है कि राज्य की जनता ने महंगाई और रोजगार के मुद्दों को बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया निपटने के बाद से ही दोनों बड़े राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच दोनों पार्टियों में एक दूसरे को लेकर सियासी आरोपों का दौर भी खूब चल रहा है। भाजपा जहां प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सत्ता वापसी का ख्वाब देख रही है, तो कांग्रेस को इस बात का पूरा भरोसा है कि राज्य की जनता ने महंगाई और रोजगार के मुद्दे को चुनकर बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार चुनाव में महिलाओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग की है। इसके पीछे कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को बड़ा कारण मान रही है। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत इस बार फुल कॉन्फिडेंस में है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मतदाता अपना मन बना चुका है, परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहा है और परिवर्तन का लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिल रहा है। मुद्दे जन कल्याण का है, जनता उत्तराखंड के विकास का है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से रोजगार सृजित किए जाए, वो मुद्दा है। मुद्दा है महंगाई को नियंत्रित करने का मुद्दा है। किस तरीके से कोरोना काल में हमारे लोगों को भाजपा की सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया। दरअसल निर्वाचन आयोग से मिले मतदान के आंकड़ों के मुताबिक कुल 70 में से 53 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में रही हैं। पुरुषों की अपेक्षा में उनका मतदान प्रतिशत ज्यादा है। कांग्रेसी दिग्गज मान रहे हैं कि महिला और युवा प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बदलाव का ये दावा कितना सच साबित होता है, इसके लिए हमें 10 मार्च के दिन का इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देते नजर आए। जानकारी है कि कार्यकर्ताओं की ड्यूटी स्ट्रांग रूम के बाहर लगाई गई है, जिसका वो बखूबी पालन कर रहे हैं। बता दें, कांग्रेस नेता हरीश रावत के ईवीएम से की गई छेड़छाड़ के बयान के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता हरकत में है। हम यहाँ 6 लोग हैं जो कि अपना शिफ्ट वाइज रुकते हैं, कोई रात में रुकता है, कोई दिन में रुकता है, और हमें तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं। जब से इलेक्शन खत्म हुआ है तब से हम यहीं हैं। कारण यह है कि ये जो हमारी मशीनें हैं ईवीएम यहाँ रखी गई हैं विधानसभा 70 की, और हमें डर है कि कहीं ईवीएम में कोई घपलेबाजी ना हो। इस कारण से हम लोग यहाँ पर हैं और निगरानी अपनी पूरी ईवीएम पर बनाए हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। पहाड़ों में मौसम भले ही अभी थोड़ा सर्द हो, लेकिन जंगल में आग लगने के लिहाज से मौसम बदल चुका है। गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों में बेकाबू आग से बेशकीमती वन संपदा खाक होने के साथ ही हाथी बाघ सहित अन्य जीवों को भी क्षति पहुंचती है, अस्तित्व संकट में घिर जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन पहले ही अलर्ट दिख रहा है। आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं गर्मियों की दस्तक से प्रशासन की भी चिंता बढ़ने लगी है। और उस चिंता की वजह गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर धधकते जंगलों की आग है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए अब प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। वन अग्नि पर काबू पाने के लिए वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल रूम तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय में बनाया गया है। खास बात यह है कि पश्चिमी वृत्त के 5 वन प्रभागों के मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारियों की पैनी नजर रहेगी। जंगल में आग लगने की सूचना कहीं से भी आए, उसको तुरंत ही वन प्रभाग के क्रू स्टेशन प्रभारी और रेंज कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। लाइव अलर्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, एंड विद इन 2 मिनट्स जो है, अगर कहीं भी आग लगती है तो 2 मिनट्स के अंदर जो है लाइव अलर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हम जो है डायरेक्ट जो वेबसाइट है भुवन पोर्टल है उससे नज़र रखते हैं, और उसमें उसकी एक अच्छी बात यह है कि वह हमें कंपार्टमेंट लेवल और विलेज लेवल तक किस विलेज के सामने जो है आग लगी है, साथ में आग लगी है और किस कंपार्टमेंट में आग लगी है उसका पता चल जाता है। तो कंट्रोल रूम में जो ही उसका पता चल जाता है तो हम जो है फोन वायरलेस के माध्यम से जो है कंसर्न्ड जो प्रभारी होता है कंट्रोल रूम का, क्रू स्टेशन का प्रभारी होता है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इस बार सर्दियों के बाद तापमान अचानक से बढ़ चुका है, लिहाजा आग लगने की घटनाओं में तेजी भी आ सकती है।
जिसे देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों के साथ भी सहभागिता निभाने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा वन पंचायतों की भागीदारी भी तय की जा रही है। वन अग्नि से उत्तराखंड के जंगलों को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है। हर साल हजारों हेक्टेयर वन और वन्य जीव आग की चपेट में आ जाते हैं। दावानल की रोकथाम को लेकर हर साल सरकार प्रशासन लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर वो दावे फेल साबित हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मास्टर कंट्रोल रूम से इस बार जंगलों में लगने वाली आग पर किस तरह से काबू पाया जाता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच इस बार हुए विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अंदाजा ये लगाया गया कि 2022 की बिसात का चुनाव बड़े ही सादगी और बिना शोरगुल के किया जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आई। असल में 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों की बजाय चुनावी खर्चे में निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ज्यादा आगे निकल गए। एक रिपोर्ट। देश भर के साथ उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच बिना शोरगुल और चुनावी सभाओं के जमावड़े के बिना 2022 के विधानसभा चुनाव में हर कोई ये सोच बैठा कि इस बार विधानसभा चुनाव बेहद सादगी और डोर टू डोर प्रचार के बीच ही सिमट गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से महामारी के बीच गाइडलाइन के तहत प्रत्याशी चुनावी खर्चे में एक दूसरे से अव्वल आने के लिए दौड़ लगाते दिखे। विधानसभा चुनाव में खर्च के मामले में निर्दलीय प्रत्याशियों ने राष्ट्रीय दलों को भी पछाड़ दिया है। उम्मीदवारों ने 12 फरवरी तक के चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है, जिसमें कई प्रत्याशियों ने अभी स्टार प्रचारकों के खर्च की जानकारी हालांकि नहीं दी है। देखा जाए तो चुनाव आयोग ने इस बार 2022 की बिसात के लिए हर उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा 40 लाख रुपए तय की और प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय प्रेक्षकों की तैनाती की गई, ताकि वक्त वक्त पर उम्मीदवार अपने खर्च का ब्यौरा दे सके। चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव में लाखों रुपए खर्च किए, तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी लाखों रुपए खर्च करने में राष्ट्रीय दलों को पछाड़ने में पीछे नहीं रहे। अल्मोड़ा जिले के विधानसभा सीटों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो अब तक सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च जागेश्वर के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल कर चुके हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल ने चुनाव में 33,23,206 रुपए खर्च किए। इसके बाद द्वारहाट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल साही ने 27 लाख से अधिक के खर्च की डिटेल आयोग को सौंपी है। सोमेश्वर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा आर्य 25 लाख, जागेश्वर से बीजेपी प्रत्याशी मोहन मेहरा 28 लाख की जानकारी उन्होंने दी है। वहीं अल्मोड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए विनय कैरोला ने वोटिंग से पहले तक 11 लाख से अधिक की धनराशि खर्च की। हालांकि कई प्रत्याशियों ने व्यय प्रेक्षक को अधूरी जानकारी दी है, तो वहीं सभी प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च में प्रचार गाड़ी, प्रचार सामग्री, चाय नाश्ते आदि खर्च की डिटेल भरी, जो लाखों में है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि बिना चुनावी शोर शराब के लाखों में खर्च रुपए हुए हैं, तो खुले तौर पर चुनावी खर्चा कहां तक पहुंचता? टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पोस्टल बैलेट को लेकर हरदा का बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वीडियो किया जारी, उठाए सवाल, भाजपा ने किया खंडन, बताया कांग्रेस की बौखलाहट। चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस का दावा, इस बार महंगाई और रोजगार के मुद्दे को मिली तरजीह, महिलाओं समेत युवाओं ने जमकर किया मतदान। सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग में उत्तराखंड के जगेंद्र सिंह शहीद, आज पार्थिव शरीर पहुंचेगा देहरादून, सीएम धामी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। और उत्तराखंड में बदले मौसम का दिखा असर, पौड़ी जिले के कई इलाकों में देर रात से बारिश से गिरा तापमान, देहरादून में बादलों की लुका छुपी जारी।